अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप इसके पहले क्या करते थे? फर्स्ट मूवी आपने क्यों किया? फर्स्ट मूवी मैंने क्यों? आप इसके पहले क्या करते थे? मतलब कई असिस्टेंट किए हैं और ये कब से आपने प्लानिंग किया? प्लानिंग कब से? ये मूवी बनाने का या मूवी बनाने का प्लानिंग कब से? ये मूवी बनाने का। अच्छा, इस मूवी बनाने का ये आई थिंक आपको ज़्यादा मालूम होगा, प्लान तो आप कर रहे हैं। हाँ? कुछ काम अरे लाइट शॉर्ट फिल्म नहीं किया है मैंने। उससे पहले मैं सीरियल्स वगैरह डायरेक्ट किया करता था। बाइट लेना है उन्होंने कुछ उनका अलग कैमरा, अपना तो मालूम है ना, 41 है, लाइट भी मारा है। क्या दिख रहा है सर? क्या है सर? मैसेज क्या है? कि मैसेज के लिए मैंने कोई फिल्म बनाई नहीं है, क्योंकि मैं कोई आई डोंट थिंक कि मैं कोई डायरेक्ट को गुरु और वो क्या कहते हैं वो टीचर हूँ। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और सिनेमा जीता हूँ। सिनेमा बनाइए आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। 3 वर्ड एंटरटेनमेंट 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 नथिंग एल्स। मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता। और ये ब्लाइंड डेट के कॉन्सेप्ट पे है। ब्लाइंड डेट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आई थिंक नया है। लोग करते तो हैं, मिलते हैं, लेकिन उस पर अभी तक शायद कोई फिल्म बनी नहीं है। ये सबसे पहले आई लाइक टू थैंक विक्रम जी फॉर डायरेक्टिंग द फिल्म एंड सरकार जी एंड ईपक जी फॉर प्रोड्यूसिंग एंड प्रेजेंटिंग इट। जो मेरा किरदार है उसका नाम कुमार है एंड थोड़ा बहुत आप देख चुके हैं उसके बारे में। बेसिकली इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि काफ़ी साल पहले ही हैड गॉन थ्रू अ बैड रिलेशनशिप, जिसमें लड़की ने उसको एक अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया था। तो वो यू कैन से ही वेंट इनटू अ लव डिप्रेशन। यू नो, ही डिड नॉट वांट टू रियली गेट एसोसिएटेड और सोशलाइज विद गर्ल्स एंड दिस एंड दैट अंटिल दिस टाइम, जहाँ पे गलती से वो एक लड़की से बात करने लगता है एंड वो सब चीज़ें दोबारा उसके दिल में उभरने लगती हैं से। और वो उससे ज़्यादा भी कई चीज़ें उभरने लगती है। उसको एक प्यार का और कुछ और आई डोंट नो इफ इट्स लव और यू विल सी द फिल्म एंड गेस, बट उसमें एक कई और चीज़ें जो ब्लाइंड डेट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो एक जो आदमी में यू कैन से उभरती है, वो भी उभरने लगी है। यू कैन से सम ऑफ द कॉमेडी इज फ्रॉम दैट ऑल्सो। सो ही इज किरदार है, ही इज लुकिंग फॉर, ही वॉजंट लुकिंग फॉर लव, बट गलती से उसको कुछ ऐसा होप मिल जाता है, जिसमें उसको होप ये है कि हो सकता है और भी कुछ मिल जाए। आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए कि इस मूवी में करके आपको एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और कितना इंटरेस्टिंग रहा है करके। जब तुमको में मेरा कैरेक्टर खुशी का कैरेक्टर है, और जब ये फिल्म मुझे मिला था तो मैं बहुत खुशी हो गई थी, क्योंकि ये बंगाली कैरेक्टर है जो मैं हूँ, बंगाली। और यहाँ पे प्रवीण जी ने बहुत हेल्प किया है मुझे, और विक्रम सर ने बहुत हेल्प किया है, पूरा टीम ने बहुत मुझे हेल्प किया है, और राजीव सर को तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉरी यार, नेचुरल वे रखने के लिए मैंने कास्टिंग वैसी की। आप अभी भी देख रहे होंगे कि प्रोनाउंसिएशन वैसी है, तो वो आपको फिल्म में भी कहीं ना मतलब गुदगुदाएगी। वो कहीं ना कहीं आपको आपके हार्ट को छू के जाएगी कि भाई वो इनोसेंस ही बरकरार रखी है, ट्राई किया है। वो हिंदी भी बोल रही है फिल्म में, तो वैसे ही प्रोनाउंसिएशन। जी आप मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, प्रवीण जी भी दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में एक बड़ा ही जो दिल्ली के बॉयज़ हैं, कॉलेज कोई हम भी थे जब, तो हमारा एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है बंगाली गर्ल्स के लिए कि दे आर स्वीट, हॉट एंड सेक्सी। तो वो एक माइंड में आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा बट प्ले ये कर रहे हैं, राइट। मैं बुलवाना चाह रहा हूँ बेसिकली इनके मुझसे। तो उनका नाम इन्होंने खुशी इसलिए रखा था क्योंकि कुमार को खुश करना चाहिए। वो था, और कोई वजह ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। दूसरी बात यह है कि कैलकाटा सिटी सिनेमेटिक व्यू बहुत अच्छा है उसका, मतलब कैमरा कहीं गए कि काफ़ी अच्छा, मतलब फिल्म के अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिटी शूट करना है। वो एक माइंड में था कि दो सिटी को प्लग कर। सॉन्ग्स कितने हैं इसमें? 4 गाने हैं सर। ये आइटम सॉन्ग नहीं है, क्लब सॉन्ग है, और क्लब सॉन्ग मतलब फिल्म से अलग नहीं है, फिल्म की स्टोरी के बीच में डिमांडेड है। आप देखेंगे उसमें मेरा एक्टर क्लब सॉन्ग में कुछ अलग से कोरियोग्राफी नहीं की गई है उनके लिए स्पेशल। ही इज प्ले एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर उसमें स्पेशल। लुश सर के बारे में आप? जी 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 जी, राजीव जी हैं, राजीव जी लुश सर इस फिल्म के। आपको सबसे फर्स्ट मूवी है, क्यों लगा था कि आपको ये बनाना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है कि सभी जानते हैं कि आगे बढ़ने का चांस हर आदमी लेता है, तो बड़ा इंटरेस्टेड बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, उसको लगा कि साथ मिलकर मूवी जरूर करते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर्स को लगता नहीं है, बहुत सॉरी नए प्रोड्यूसरों को लगता नहीं, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको घुमाना पड़ता है, वो करने की कोशिश करते हैं। Yes, yes. शफाकत जी भी है, शफाकत हमारे साथ है। बस सिंगर्स के बारे में जी, मतलब अच्छा कुछ सिंगिंग पार्ट म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं, आई थिंक नेक्स्ट सेवन और 10 डेज के अंदर करेंगे। और म्यूजिक बेसिकली यहाँ बैठे हैं डायरेक्टर अनुज गर्ग साहब बैठे हुए हैं, विजय केदारी बैठे हुए हैं, उन्होंने लिरिक्स दिया है इसमें। तो मेरा आज ये कोई बात नहीं, प्लीज अगर देखना चाहे तो मतलब हो सकते हैं हमारे साथ। आइए प्लीज अनुज प्लीज जो सिलेक्ट कर सके कि सॉन्ग क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसलिए शायद हमारी चलो इंटरव्यू कर लिया। चलो ओके, थैंक यू। सो बड़ी बात है, थैंक यू।